आज मैंने इन चारों को घेर लिया है जिसकी हर एक यूट्यूबर को जरूरत होती है। दोस्तों हमारे सामने CTR है, यहाँ पे वॉच टाइम भी है, इंप्रेशन भी है और व्यूज भी है। हर यूट्यूबर की एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनको ये चारों चीज़ें क्यों नहीं आ रही है, और आज मैं आप लोगों को इनसे पूछ के बताऊंगा कि आखिर ये क्यों नहीं आ रहे मेरे चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी। तो दोस्तों चलो हम जो है शुरुआत करते हैं व्यूज से कि आखिर हमारे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते। तो मैं यहाँ पे मेरे चैनल का रेफर करते हुए कि भैया व्यूज आप हमें ये बताइए कि आप हमारे चैनल पे क्यों नहीं आते हो। अरे भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें जितने इंप्रेशन आएंगे उतने में आ जाता हूँ, तो आप इंप्रेशन से बात की। आप कह रहे हो कि मैं इंप्रेशन से बात करूँ। जी हाँ दोस्तों सही बात है, जितने ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, तो इसमें आप बस इंप्रेशन को बोलोगे। जी बिल्कुल। तो भैया अब हम इंप्रेशन से बात करते हैं। इंप्रेशन जी आप हमें ये बताइए कि आप हमारे वीडियोज पे ज़्यादा क्यों नहीं आते हो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा आओगे उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, बताइए। भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से आ रहा हूँ। अब जो भी है वॉच टाइम पे डिपेंड करता है, आप वॉच टाइम ये लो जी। दोस्तों यहाँ पे तो इंप्रेशन ने ये बोल दिया कि जितना ज़्यादा वॉच टाइम आएगा उतना ज़्यादा इंप्रेशन आएगा, कायदे से बात सही है। तो आपका फाइनल जवाब है यही? जी बिल्कुल, आप इनसे ही बात कीजिए। ये बोल रहे हैं वॉच टाइम के लिए। तो वॉच टाइम जी आप बताइए, हमारे अच्छे खासे थंबनेल होते हैं भी, आप हमारे वीडियोस पे क्यों नहीं आते? देखो जी मैं तो आपके वीडियोस पे आता हूँ, मैं और आपके हमेशा आता हूँ, बट लेकिन जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा गलती है वो है CTR की। आप कह रहे हो कि CTR आना चाहिए जब जाके वॉच टाइम आएगा, बात तो इनकी भी सही है, क्योंकि वॉच टाइम तो जब लोग क्लिक करेंगे तभी तो रुकेंगे, तभी तो फाइनल जवाब है आपका यही? बिल्कुल, आप CTR से बात कीजिए। तो अब हम बात करते हैं CTR से, क्योंकि वॉच टाइम और CTR ही पूरे यूट्यूब एल्गोरिथम का बहुत बड़ी जड़ होती है। तो CTR जी जरा थोड़ा आगे आइए आप हमारे सामने, और आप हमें बताइए कि हम तो 3D थंबनेल बनाते हैं उसके बावजूद भी आप हमारे वीडियोज पे नहीं आते, क्यों नहीं आते? अरे भाई CTR की कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है? CTR की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अगर आपके इंप्रेशन आते हैं तो CTR अपने आप अच्छा रहेगा। 10% 15% आपको दे रहा हूँ CTR, देख लीजिए अपने चैनल पर। इसमें इंप्रेशन की गलती है, इंप्रेशन यूट्यूब वाले देते नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? दोस्तों इन्होंने तो भाई साहब पल्ला झाड़ दिया इंप्रेशन के ऊपर कि जितना ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे उतना ज़्यादा CTR आएगा। बात इनकी भी सही है, क्योंकि मेरे वीडियोज की मैं बात करूँ 3D थंबनेल बना करके भी मैं 7-8-10% तक CTR लेके जाता हूँ, पर इंप्रेशन नहीं बढ़ता। इंप्रेशन आप कुछ बोल लोगे इस मामले में? नहीं भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वॉच टाइम पे डिपेंड करता हूं। अरे आप तो आप तीनों यार सबके सब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हो, ये क्या मतलब है? कोई जवाब दोगे क्या आप? हैं आप दोगे जवाब? आप कौन भाई? CTR जब ही मिलेगा जब वॉच टाइम और आपका ये इंप्रेशन अच्छा रहेगा ऑडियंस। भाई साहब वॉच टाइम की गलती नहीं है, जब तक CTR नहीं आएगा वॉच टाइम कहां से आएगा? इंप्रेशन क्या बोल रहे हो आप? अगर नहीं आपकी गलती है। अरे तो तुम्हारा बाप कौन है, किससे बात करूं मैं, कहां जाऊं मैं? वो रहा उधर। कौन है तुम्हारा बाप? कौन है हमें बताइए, कौन है तुम्हारा बाप, किससे बात करें हम? कौन है तुम्हारा बाप, किससे बात करें? अच्छा 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 एल्गोरिथम की ये बात करें, एल्गोरिथम जी माय बाप एल्गोरिथम, हर यूट्यूबर की एक चाहत एल्गोरिथम उसके फेवर में हो। एल्गोरिथम जी प्लीज आप हमें बताइए हम क्या करें, ये आपके चारों बेटे हैं ना जो हमको परेशान करके रखे हैं, कैसे आएंगे? देखो भैया आप ठहरिए, ये लड़ो मत भैया, अभी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैं डिपेंड करता हूँ जनता पर, जनता जैसे मेरे को फॉलो करती है उसी प्रकार से आपके व्यूज CTR वॉच टाइम और इम्प्रेशन बढ़ता है। जब जाके आपके चैनल पर व्यूज बढ़ता है तो मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपका एल्गोरिथम जितना ठीक होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके चैनल पर व्यूज आएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका CTR वॉच टाइम इम्प्रेशन बाकी जो भी कुछ हो वो सारा फॉलो करो, जब जाकर आपके चैनल पर व्यूज आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एल्गोरिथम ने तो पल्ला झाड़ लिया है कि जनता ही माई बाप है, जनता ही जनार्दन है, और जनता मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा एल्गोरिथम व्यूज CTR आपको किसी को कुछ कहना है? मुझे कहना है भाई मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि YouTube के द्वारा जो इम्प्रेशन डाला जाता है वो गलत ऑडियंस के पास में ज़्यादातर डाला जा रहा है, क्योंकि CTR मेरा 15% होते हुए भी कहीं ना कहीं तेरे आपके पास में व्यूज़ नहीं आते, तो एक राइट ऑडियंस के पास में आपका वीडियो पहुँचाए YouTube को कहना चाहूँगा, इम्प्रेशन उनके पास में ज़्यादा जानी चाहिए, तो इम्प्रेशन को थोड़ा सा सुधारा जाए आपके। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमने बात करी
व्यूज इंप्रेशन सी टी आर और एल्गोरिथम से उनसे बात करी और एल्गोरिथम ने साफ साफ कह दिया कि मैं जनता को फॉलो करता हूँ, तो जनता ही माई बाप है और आप ही हमें बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है आज एक ये यूनिक आइडिया अपनाया है आप लोगों को मनोरंजन और ज्ञान दोनों देने के लिए। प्लीज आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, कॉमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना, चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आगे भी ऐसे ही मनोरंजन तरीके से नॉलेज देने का मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा। बाकी हमारे सभी भाई बंधु आपको एक बार थैंक्स बोलना चाहेंगे, थैंक यू सो मच।